अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी फिल्म आइटम सॉन्ग के बगैर अधूरी होती है। वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक अच्छी और खूबसूरत फीमेल डांसर मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको बॉलीवुड की सबसे कामयाब और मशहूर डांसर्स का पता है और वो एक गाने में परफॉर्म करने के कितने पैसे लेती हैं? इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 10 सबसे मशहूर डांसर्स और उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर वाले की सैलरी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, सारा अली खान। लड़की आंख और हुस्न है सुहाना 2.0 जैसे गानों से शोहरत पाने वाली सारा अली खान एक गाने में डांस करने के 35 लाख रुपए चार्ज करती है। नंबर 9, कृति सैनन। विसल बजा जैसे सुपरहिट गाने से शोहरत पाने वाली 32 साल कृति सैनन एक गाने में डांस करने के 40 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नंबर 8, दीपिका पादुकोण। बालम पिचकारी और लवली जैसे सुपरहिट गानों पर दीपिका पादुकोण के डांस को कौन भूल सकता है। दीपिका एक गाने में डांस करने के 45 लाख रुपए चार्ज करती है। नंबर 7, प्रियंका चोपड़ा। राम चाहे लीला और असलाम इश्कुम जैसे सुपरहिट गानों में परफॉर्म करने वाली प्रियंका एक गाने के 48 लाख रुपए लेती है। नंबर 6, कैटरीना कैफ। शीला की जवानी और चिकनी चमेली में कैटरीना कैफ के डांस को कौन भूल सकता है। कैटरीना कैफ एक गाने के 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नंबर 5, जैकोलिन फ्रेंडस। 1, 2, 3 और बीट पे बूटी जैसे गानों पर ठुमके लगाने वाली जैकोलिन एक गाने पर डांस करने के 55 लाख रुपए लेती हैं। नंबर 4, सनी लियोन। लैला मैं लैला और बेबी डोल जैसे ब्लॉकबस्टर गानों में परफॉर्म करने वाली सनी लियोन एक गाने के 60 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नंबर 3, नूरा फतेह। साकी साकी और हाई गर्मी जैसे ब्लॉकबस्टर गानों में परफॉर्म करने वाली नूरा फतेह को कौन नहीं जानता। वो एक गाने के 70 लाख रुपए चार्ज करती हैं, जिन्होंने डांस की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स में लाजमी बताएं। नंबर 2, तमन्ना भाटिया। कलर ट्यून और बादशाह के गाने तबाही में अपने जलवे दिखाने वाली तमन्ना भाटिया एक गाने का 1 करोड़ रुपया चार्ज करती है। नंबर 1, सन्नाटा रूठ। ओ अंटावा मा गाना किसने नहीं सुना। इस गाने में डांस करने के इस एक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और इस गाने में परफॉर्म करके सबको हैरान कर दिया था।